अरे ये क्या, आज गार्ड काका नहीं आए? हाँ मुझे भी कहीं नहीं दिख रहे, वो हमेशा हमारे लिए गेट पर खड़े रहते हैं। ये क्या, हमारे स्कूल के सभी पौधे सूख गए हैं। ये देखो वहाँ कितने सारे गमले भी इधर उधर पड़े हैं। हाँ मुझे पता है, मालिक काका काफी दिनों से बीमार है और वे इसी वजह से स्कूल नहीं आ रहे हैं। चुटकी गप्पी, हमारा क्लासरूम कितना गंदा है, देखो तो। हाँ सही कहा, इस टेबल पर भी देखो कितनी धूल है, लगता है सविता दीदी नहीं आई है। क्या हुआ बच्चों, इतना शोर क्यों कर रहे हो? मैडम आज हम जब स्कूल आ रहे थे तो हमने देखा कि गार्ड काका स्कूल गेट पर नहीं थे और गेट खुला हुआ था, सभी बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। और मैडम हमने ये भी देखा है कि हमारे स्कूल का बगीचा भी सूख गया है। हाँ मैडम ये देखिए, हमारे क्लासरूम में भी कितनी धूल है, सब कचरा इधर उधर पड़ा हुआ है। बच्चों आपने देखा हमारे आसपास कुछ लोगों का होना कितना जरूरी है, अगर वे कुछ लोग हमारे आसपास नहीं होंगे तो चीजें बिगड़ जाती हैं। जैसे गार्ड काका हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि सभी बच्चे स्कूल में सुरक्षित हों। ठीक वैसे ही ना मैडम, जैसे पुलिस अंकल हमारी चोरों से सुरक्षा करते हैं। बिल्कुल सही चुटकी, इसी तरह माली काका हमारे स्कूल के सभी पौधों को हर रोज पानी देकर उनकी देखभाल करते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे डॉक्टर दीदी हमारी सेहत का ध्यान रखती है ना मैडम। हाँ ठीक वैसे ही, अब देखो सविता दीदी के ना आने पर क्लासरूम कितना गंदा है, सविता दीदी हमारे आसपास कितनी सफाई रखती हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह रामू काका हमारी गली को साफ सुथरा रखते हैं। इसीलिए बच्चों हमें इन सभी का धन्यवाद करना चाहिए और आभार व्यक्त करना चाहिए। आभार क्या होता है मैडम? आभार यानी उनके काम के लिए उनका धन्यवाद करना। मैडम हम इन सभी का आभार कैसे व्यक्त कर सकते हैं? बच्चों क्यों ना हम इन सभी के लिए एक धन्यवाद कार्ड बनाएं? हाँ मैडम ये तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सविता दीदी हमारे आसपास साफ सफाई रखने के लिए। धन्यवाद माली काका हमारे पौधों की देखभाल करने के लिए। गार्ड काका हमारी सुरक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों क्या आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आप धन्यवाद करना चाहते हैं या थैंक यू कहना चाहते हैं उनके काम और मेहनत के लिए? अगर हाँ तो आप किसी न किसी तरह उन्हें धन्यवाद और थैंक यू जरूर कहिए। उनके लिए कार्ड बनाकर, तोहफा देकर, उनकी मदद करके या उनको हाथ जोड़कर धन्यवाद कहकर। बाय बाय बच्चों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।